शांति। 17 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे। हमारा कुछ भी नहीं ऐसा बेगर बन जाओ। बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं ऐसा बेगर बन जाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? पापा ने उत्तर दिया, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा आशरीरी बन जाए, बस हमको वापिस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। बाबा कहते, जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सेकंड पॉइंट, अब घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेगर बनना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेगर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज की मुरली का वरदान है, सदा संतुष्ट रह, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। विश्लेषण है, ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा
स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति।